फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना मध्य प्रदेश का बिल कैसे चेक कर सकते हैं, एम पी विद्युत वितरण केंद्र का बिल कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से और देख सकते हैं अपना बिल डिटेल पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक गिवे रखा हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो गिवे 1 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून तक रहेगा और 1 जुलाई को उसका गिवे का विनर्स घोषित किया जाएगा जो कि मैं घोषित करूंगा। तो फ्रेंड्स उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए एंड एंट्रीज लीजिए उसमें, और हो सकता है कि आप में से किसी एक का नाम आएगा। तो उसमें 1 ब्लूटूथ हैंडसेट दिया जाएगा, एंड्रॉयड ब्लूटूथ हैंडसेट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको आज सीखना है इस वीडियो में कि एम पी विद्युत बिजली बिल कैसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ लाल बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उस ब्राउजर में आपको लिखना है MPEZ, और इसको आपको सर्च कर देना है। इसको सर्च करते ही जो आपके ऊपर सबसे ऊपर ये लिंक आएगा पूर्व क्षेत्र वितरण, तो इसे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो अब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली सबसे ऊपर दिख रहा होगा ये कस्टमर सर्विस, दिख रहा है ना कस्टमर सर्विस, तो इसमें अब आपको डायरेक्टली सेकेंड नंबर के ऑप्शन पे चला जाना है, ड्यू एंड पे योर LT एंड HT बिल। इस पे आपको क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको ये सेकेंड नंबर का जो पे योर LT बिल है, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट नंबर ड्यू योर बिल। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो अब आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, ऊपर इस पे चूज आइडेंटिफाइड, तो इसमें आप कर लीजिए IVRS अकाउंट नंबर एंड अब IVRS नंबर डाल दीजिए। तो मैं इसमें एक डाल देता हूँ अपने कस्टमर का HT4Spain। अब आपको यहाँ पे सिंपली चूज गेटवे है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है पे योर यू पेमेंट। अब इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, अभी चेकिंग कर रहा है एंड ये देखिए फ्रेंड्स इनका बिल आ चुका है, ये सब कुछ बता चुका है इनका जो बिल है अमाउंट है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा ड्यू बिल पे एंड ड्यू बिल पे क्लिक करते ही आपको फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए इनका बिल निकल आया है। तो अब आप यहाँ से पे कर सकते हैं, पे नो पे क्लिक करके या बैक कर सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप। तो सिंपली आप बहुत ही आसान तरीके से इनका बिल निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल बता देगा कब कहां और कैसे लगा, पिछला बचा है इनका पिछला बकाया कितना है, सब कुछ फ्रेंड्स बता देता है ये। तो सिंपली आपको अब कुछ नहीं करना है, तो अब आपको रिटर्न पे क्लिक कर देना बैक पे और आप बैक हो जाएंगे अब सिंपल। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप ये रिटर्न पे क्लिक किए और फिर से आप बैक आ चुके हैं और सिंपली इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय श्री कृष्णा वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स मेरे गिवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, और अगर आप लोग पार्टिसिपेटिंग अगर अच्छी रही, अगर एंट्रीज अच्छी रही और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे तो मैं नेक्स्ट गिवे सोच रहा था कि एक स्मार्टफोन पे रखूँ जो कि न्यू अभी MI लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, जय श्री कृष्ण वंदे मातरम।